हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाम से ही पता चला, डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी किसी भी एलिमेंट की जगह यानी कि उसका प्लेस चेंज हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं कि जब आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास और उसमें हम आयरन डालते हैं, तो जो कॉपर है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है आयरन से, यानी कॉपर की जगह पर आयरन और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है वो कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम एक एक्टिविटी के हेल्प से समझ सकते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल्स को इस तरीके से हैंग कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि आयरन की जो नेल्स हमने डाली थी वो ब्राउनिश इन कलर हो जाती हैं, और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर फेड हो जाता है और जो नेल्स हैं वो ब्राउनिश इन कलर हो जाते हैं। यानी वहाँ पर क्या रिएक्शन हुई कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने? आयरन ने। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसके दूसरे एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है और कॉपर डिस्प्लेस कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम दूसरे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, लेड जब रिएक्ट करेगा कॉपर क्लोराइड के साथ तो कॉपर इज डिस्प्लेस बाय लेड। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से एलिमेंट शो करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं उसके साल्ट सॉल्यूशन में से। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स दो बार डिस्प्लेसमेंट हो, जिसमें जहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों की मिक्स किया जाता है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो आप देखेंगे कि सल्फेट के साथ क्या है? सोडियम। रिएक्शन के बाद सल्फेट के साथ हो जाएगा बेरियम और यहाँ पर क्लोराइड के साथ क्या है? बेरियम। तो क्लोराइड के साथ बेरियम ना होके क्या आएगा? सोडियम। इस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे की जगह को जो है डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि एक दूसरे की जगह जो है इन्होंने ले ली है। तो यहाँ पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, तो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन, द इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, यानी वाइट पीपीटी यहाँ पर बनेंगे। और प्रेसिपिटेट किसे कहेंगे कि जब रिएक्शन होगी तो ये बेरियम सल्फेट जो है वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस किन्हें कहेंगे? इन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी तरीके की दूसरी रिएक्शंस जहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं, यानी कि रिएक्शन के दौरान कोई इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है सॉल्यूशन के अंदर, तो उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लेड नाइट्रेट का। जब ये पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा लेड आयोडाइड और साथ में पोटासियम नाइट्रेट।
तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर आप इसको दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।